हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द लूवर्स सेगमेंट। पार्ट वन में हमने देखा चारको लूवर्स के बारे में, WPC पैनल्स के बारे में, MDF लूवर्स के बारे में हमने जाना, और हमने ये जाना कि इनकी कितनी वैरायटीज हैं, क्या प्राइसिंग है और कैसे इनको इंस्टॉल किया जाता है। पार्ट टू में हम बाकी की लूवर्स के बारे में और इनकी वैरायटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में बात करते हैं सबसे न्यूएस्ट और लेटेस्ट हाइलाइटर के बारे में, और ये है हमारा मेटलिक लूवर्स। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि इंटीरियर और आर्किटेक्ट जो होते हैं वो मेटल का काफी सारा काम करवाते हैं, अलग अलग उसमें प्रोफाइल्स देते हैं और काफी सारी उसमें अलग अलग तरह की पैनलिंग देते हैं। अब मार्केट में रेडी टू इंस्टॉल पैनल्स आ गए हैं, तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये मेटल के वो लूवर्स हैं जिसमें आपको काफी सारी वैरायटीज मिलती है। रोज गोल्ड है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, सो ऑल दीज वैरायटीज आर देयर। प्लस अगर मैं इसकी पैनल की साइजेस की बात करूं तो ये होता है एक पैनल 5 इंच बाय 9.5 फीट का। इसको लगाना कैसे है, तो लगाना वैसे ही है जैसे हम लोग WPC के लूवर्स लगाते हैं। इसमें भी क्लिप होती है और क्लिप एंड इंस्टॉल का इजी सिस्टम है। क्लिप करें, इसको लगाएं और इंटरलॉकिंग से दूसरा पैनल लगा दें। कोई पेस्टिंग की झंझट नहीं है, कोई कभी पीछे कुछ सीलन आ जाए और ये खुल जाए वो भी कभी तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ आपको मेटल की सारे फायदे इसमें मिलते हैं, वो शाइन मिलती है जो आपको मेटल वाले प्रोडक्ट में देनी होती है। इसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्स और भी है, जैसे कुछ और हार्डवेयर आइटम्स आती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पा रहे हैं यू ट्रिम, उसके साथ साथ ये टी पट्टी आती है, एल पट्टी आती है, स्ट्रिप्स आती है जो कि काफी सारे हार्डवेयर में आपके फर्नीचर्स के बीच में उसको यूज किया जाता है। सो दिस इज द इन थिंग दीज डेज। अब मैं बात करूं कि इनकी प्राइसिंग क्या होती है, तो ये आपको तकरीबन 1800 से लेकर के 2500 रुपए तक में मिल जाएगा। हाँ, ये लूवर्स में सबसे हाईएस्ट सेगमेंट में है प्रोडक्ट, क्योंकि ये अभी सबसे लेटेस्ट भी है, साथ ही साथ ये मेटल है। ये कोई दूसरा ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि इजीली आपको सब जगह मिल जाता हो, सो इस वजह से इसकी एक खासियत है। सो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं मेटलिक लूवर्स, और जैसे आपने ये देखा इसमें फ्लूटिंग थोड़ी पतली आती है, और साथ ही साथ ये जो बाकी हार्डवेयर आते हैं जो काफ़ी सारे चलते हैं, जैसे ये है यू पट्टी, ये यू ट्रिम है, ये है टी पट्टी, ये वाले पैनल, ऐसी स्ट्रिप्स और ये एल पैनल, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेटल में मिलती हैं। इसकी अलग खासियत है, इसका एक अपना अलग नीश है। सो दोस्तों, अब हम जिस लूवर कैटेगरी की बात करने वाले हैं वो इस सेगमेंट में, इस मार्केट में सबसे नया है, और शायद मैं पहला हूं जो यूट्यूब के ऊपर इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ये है PVC लूवर्स। मैंने एक वीडियो बनाया था परे PVC के ऊपर, उसका लिंक ऊपर है, आप जरूर देख सकते हैं। परे में आपने देखा होगा कि ये सीलिंग्स के लिए प्रोडक्ट है, बट इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये है लूवर्स। इसमें और उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिमिलैरिटी ये है कि एक ही ब्रांड है और वही आपको सारी बेहतरीन चीज़ें इसमें मिलती हैं, इनफैक्ट कि मटेरियल भी वही है, पर डिफरेंस ये है कि ये और ज़्यादा स्टडी मटेरियल है। सो गाइस, ये PVC से बना हुआ मटेरियल है, इसको आप डायरेक्टली वॉल के ऊपर लगा सकते हैं। वापस से आपको MDF प्लाई HDMR बोर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करें। इसमें इनफैक्ट क्लिप्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम्स दे रखे हैं, तो इसको डायरेक्ट आप स्क्रू कर सकते हैं और इंटरलॉकिंग से लगा सकते हैं। काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। इस वीडियो के लिंक में मैं एक अटैच कर दूंगा आपको एक लिंक जिसमें आप इसका ई कैटलॉग रेफर कर सकते हैं। इसकी साइजेस क्या क्या आती है, सो ये 9 इंच आता है विड्थ में और हाइट में आता है 10 फीट्स का। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी प्राइसिंग क्या है, तो दिस इज समवेयर अराउंड 1800 रुपीज अ पैनल। आप अगर डीलर से बात करेंगे तो शायद आपको और बेहतर डिस्काउंट इसमें मिल जाए। सो गाइस, लेट मी गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ परे लूवर्स। तो मैं जैसे बता रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है वो सीलिंग वाले प्रोडक्ट जैसा ही दिखता है, बट दिस इज मोर स्टडी। अगर ये जो आप प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ये वॉल के ऊपर आप जब भी लगाएंगे और कोई शरारती बच्चे वगैरह हैं आपके घर में और उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो इतनी जल्दी ये दबेगा नहीं। प्लस इसमें कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे आपको मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर ये देखिए, इस सीलिंग का मेरे पास पैनल है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका फ्लूटिंग कितना चौड़ा है और इसका फ्लूटिंग पतला है। साथ ही साथ साइज में भी फ़र्क है, ये 9 इंच बाय 10 फीट का पैनल आता है और वो 1 फीट बाय 13 फीट और 10 फीट का पैनल आता है, सो ये इसमें फ़र्क है। अब गाइस, मैं आपको सारी ही चीज़ें बता दी हैं इस वीडियो में। मेरा ये वीडियो बनाने का एक पर्पस ये भी था, मैं आपको ये दिखाऊं कि जो वुडन पैनल्स होते हैं जिसमें हम इतनी मेहनत करते हैं और उसको टर्माइट से बचाते हैं और उसमें इतना सारा पॉलिश वगैरह लगाते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या है मार्केट में।
इनमें भी आप बड़ी खूबसूरती से बीच में प्रोफाइल लाइट्स वगैरह दे सकते हैं और उसको और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं लाइट्स वगैरह दे करके, और उसमें कुछ हार्डवेयर के एलिमेंट्स लगा सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स दैट यू हैव इन द मार्केट जिसको आप वुडन के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दोस्तों, वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ आर वीडियो, एंड इस सेगमेंट में हम लोग अभी तक बात किए थे इंटीरियर्स के जितने भी लोअर और राफ्टर्स के ऑप्शन हैं. अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम एक्सटीरियर में क्या यूज कर सकते हैं. सो जैसे हम लोगों ने WPC लोअर्स देखा था, ये एक्चुअल में WPC है, वो भी एक्चुअल में WPC था, बट ये वैसा प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सटीरियर में यूज कर सकते हैं. ये बहुत ही ज्यादा स्टर्डी प्रोडक्ट है, और क्योंकि आपको बाहर लगाना है तो इसको धूप, धूल, मिट्टी, बारिश, पानी, इन सभी चीजों से बचाना जरूरी है. सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ये लगता कैसे है, ये एल्यूमिनियम की एक फ्रेम कारीगर आपके घर के बाहर एक्सटीरियर में बनाएंगे और उसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल करते हैं. इसके लिए आपको प्रोफेशनल और स्किल्ड कारीगर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनकी साइजेस की अगर बात करें तो ये 5 इंचेस या 6 इंचेस बाय 10 फीट 8 फीट के ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं. और अगर प्राइसिंग की बात करें तो तकरीबन 350 रुपए स्क्वायर फीट से शुरू होते हुए आपको इसमें काफी सारी रेंज मिल जाएगी. सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. और यहाँ पे सिर्फ एक आपको बोनस फैक्ट ही नहीं बल्कि एक सरप्राइज गिव अवे आप तक लेकर आ रहा हूँ. आपने इतना सारा प्यार हमें दिया है, इसके बदले में एक छोटा सा गिव अवे हमारी तरफ से. जो भी कमेंट सेक्शन में हमें कुछ फीडबैक अच्छा देगा और हमें बताएगा कि उनको और क्या जाना जरूरी है डेकोर में और क्या क्या चीजें हैं जो हम उन तक लेकर आए, उनके लिए एक छोटा सा गिव अवे रखा है मैंने. ये आपकी टेबल के ऊपर, आपकी स्टडी पर और यहाँ आपके हॉल में बहुत अच्छा लगेगा. सो दिस इज अ स्मॉल लिटिल गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड. And thank you so much for watching this video. अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है so please do subscribe. ये हमें थोड़ा और encourage करता है आप तक और content लाने के लिए. इसी के साथ अगर video पसंद आई हो तो like button दबाना बिल्कुल ना भूले. See you in the next video. Until then, take care.